हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं, ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी और अगर कोई नेक्स्ट मूव वो लेने वाले हैं तो वो क्या होगा या उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सो इसी बारे में बात करेंगे। ओके, शुरुआत हम लोग विद द हेल्प ऑफ माई हैंड रिटन कार्ड्स करेंगे। लेट्स सी हाउ आर दे गोइंग टू फील एंड व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन। एक ओवरऑल एनर्जी मिल जाती है हमें इन कार्ड से। ओके, तो 3-4-8 मंथ्स आया है पहला कार्ड। हो सकता है 3-4-8 मंथ्स हो गए हैं आपको बात किए, या फिर मे बी ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं, उनका बर्थडे या आपका बर्थडे या एनिवर्सरी, एनीथिंग लाइक दैट। ओके ओके, हस्बैंड वाइफ मटेरियल, तो वो आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मटेरियल समझते हैं, तो काफ़ी सीरियस है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। नेक्स्ट इज क्राइंग, तो मे बी दे आर क्राइंग फॉर यू, और या फिर आपके बारे में सोच के दे आर क्राइंग। वॉइस, मे बी दे वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, या हो सकता है उनका वॉइस कॉल आ जाए आपको। पेशेंस, सो दे वॉन्ट लाइक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस सिचुएशन में इस वक्त पेशेंस रखना चाहिए विथ वॉट एवर इज हैपनिंग आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट है आपके लिए ऑन एंड ऑफ और इन एंड आउट, तो ये जो भी पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, काफ़ी इन एंड आउट करते हैं, काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है आप दोनों के बीच में। कभी वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी यू नो दे टेंड टू जस्ट रन अवे। सो नॉन कमिटल पर्सन है, थोड़ी कन्फ्यूज पर्सनैलिटी है। यूनियन, मैनी ऑफ यू गोइंग टू लाइक यूनाइट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स में भी बहुत लोगों का रीयूनियन हो जाए। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज न्यू जॉब, तो अगर आप न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हो, या हो सकता है आपके पर्सन को लगी हो न्यू जॉब, समथिंग और दी अदर, एक तो आपके बारे में है या आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड्स है जो मैंने आपको बता दिया क्या है, और मैंने बता भी दिया उसके बारे में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वक्त व्हाट इज़ द एनर्जी, आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट्स गोइंग ऑन। वॉकिंग अवे, नंबर 27, व्हाट मोड डू वी हैव, व्हाट इज़ द एनर्जी राइट नाउ। हैप्पी फैमिली, नंबर 4, एंड द लास्ट वन इज गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52। ओके, मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़ वेरी इंट्यूटिव, या हो सकता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक समवन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ वॉकिंग अवे, कोई तो यहाँ पे है जो परेशान हो चुके हैं विद द सिचुएशन एंड दे जस्ट वॉन्ट वॉक अवे, इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या यू नो स्टक फील कर रहे थे अभी तक, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड मूविंग ऑन इन देयर लाइफ। अभी आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी, बट समवन इज़ ट्राइंग टू मूव अवे और वॉक अवे फ्रॉम समवन और सम सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन में ये ऐसे हो चुकी है जहाँ पे फीलिंग स्टक रहने से अच्छा है टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव यू नो आगे बढ़ जाना बेहतर रहेगा, ऐसा किसी को लग रहा है आप दोनों में से। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद, वो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, वो आपको अपना हस्बैंड वाइफ मटेरियल मानते हैं, समझते हैं, एंड दे वॉन्ट टू हैव अ हैप्पी फैमिली विथ यू, आपके साथ बहुत खुश फील करते हैं, दे वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप विथ यू, शादी के बारे में सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, एंड दिस माइट ऑल्सो बी योर फीलिंग्स वेर यू वर एक्सपेक्टिंग दिस, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उससे पहले ही सिचुएशंस ऐसी हो गई, वेर दैट इज़ वाई यू स्टार्टेड वॉकिंग अवे, एंड यू नो आप दोनों के बीच दूरियाँ आना शुरू हो गया। बट यू बोथ मिस ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, एंड ड्रीम देखते हो एक दूसरे को लेकर, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स और इमोशंस मुझे फील हो रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, पहला कार्ड है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ये है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन एनर्जी, और बॉटम में है रीबर्थ। लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्रिंसेस ऑफ कप है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, विद बॉटम डेक ऑफ फोर ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, व्हाट मोर, एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, एंड बॉटम में है टेन ऑफ कप्स। वाओ, टेन ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि
लाइक आप जिनसे डील कर रहे हो ना, वो काफ़ी आगे का सोचते हैं विथ यू, दे सी देयर फ्यूचर विथ यू, दे वांट टू हैव दिस टेन ऑफ कप्स विथ यू. ओके, वो बहुत आगे का और बहुत सीरियस है आपके बारे में, बहुत आगे का सोचते हैं. दे वांट टू हैव दिस फैमिली विथ यू, दे वांट टू मैरी यू, एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं. देखिए, अगले 48 घंटों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे विल स्टार्ट लाइक मिसिंग योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ. आपके होने का एहसास, ना होने का एहसास उनको बहुत स्ट्रांगली फील होने लगेगा अगले 48 घंटों में. एंड आपकी वैल्यू समझ में आएगी, उनको रियलाइज़ होगा कि वॉट दे हैव लॉस्ट. ओके, कहीं ना कहीं मुझे फॉर अ लॉट ऑफ यू दे विल मेसमराइज, लाइक पुरानी यादें, आपके साथ बिताया हुआ समय, सब कुछ इनको बहुत ज़्यादा याद आएगा, जो इनको बड़ा ही इमोशनल करेगा. एंड देन दे विल वॉन्ट टू यू नो हैव अ सीरियस, लाइक इस रिश्ते को सीरियसली आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे. ओके, क्योंकि मुझे लगता है दे वॉन्ट टू टेक इट फर्दर, वो इस रिश्ते को लाइक एक सीरियस कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू कम बैक, वो रिकनसाइल करना चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली मुझे वो होते हुए दिख रहा है अगले कुछ घंटों में, वेयर दिस पर्सन इज मेसमराइजिंग अबाउट यू, दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू. उनको आपकी वैल्यू समझ रही है, उनको आपके पास आना है. सो मुझे रीयूनियन या रिकनसिलेशन होते हुए दिख रहा है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर अ लॉट ऑफ यू, लाइक मेजॉरिटी ऑफ यू. ऑल्सो मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर बहुत बहुत इमोशंस का, जैसे कह लो फ्लड ऑफ इमोशंस होने वाले हैं या आने वाला है इनके अंदर, जो इनको अकेला होने का एहसास कराएगा. यू नो, उनको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने क्या खो दिया. ओके, मे बी हो सकता है आपने उनको रीच आउट करने की, उनको मनाने की, उनसे पैचअप करने की कोशिश की, उनको कॉल टेक्स्ट किया एंड दे डिडंट इवन रिस्पॉन्ड बैक टू यू, तो दे विल बी रिग्रेटिंग इट. वो रिग्रेट करेंगे कि यार वो आपका प्यार मिस करेंगे, आपका केयर मिस करेंगे, एंड जो इमोशंस, जो एक स्टेबिलिटी आपके साथ थी वो मिस करेंगे अगले 48 घंटों में. एंड पुरानी यादों में खो जाएंगे. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा उनके अंदर एक डर रहेगा कि शुड आई टॉक, शुड आई नॉट, क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा या करेगी या नहीं करेगा, क्या मुझे करना चाहिए. ये उनके अंदर यू नो ये कन्फ्यूजन कह लो या ये थॉट प्रोसेस उनके अंदर काफ़ी चलेगा. ओके, दे विल बी मेसमराइजिंग. ऑल्सो मुझे लगता है कि दे विल ऑफर समथिंग फॉर अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप. वो आपके साथ इस टेन ऑफ कप्स को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे. ओके, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? इमोशनल फुलफिलमेंट, प्यार, कंपैटिबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी, कमिटमेंट, एंड दैट दे विल ऑफर टू यू. एस ऑफ कप्स अगर टेन ऑफ कप्स के साथ आ रहा है, डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली है फ्रॉम योर पर्सन. एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी इमोशनल. लाइक आपने अगर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अगर इनकी इमोशनल साइड अगर आपने देखी नहीं है, ये काफ़ी रैशनल और प्रैक्टिकल सोचने की अगर कोशिश कर रहे थे, तो नाउ दे विल. वॉट मोर, वन लास्ट कार्ड. वाओ, द फूल, ये है एरिस और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है. डेफिनेटली मुझे लगता है ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं. ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है. फूल इज़ ऑल अबाउट समवन हु इज़ जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, न्यू बिगनिंग्स करने के लिए तैयार है, बट थोड़ा केयरलेस है अबाउट व्हाट स्टेप टू टेक एंड क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए. बट मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है. बिना सोचे समझे आई थिंक दे आर गोइंग टू ब्रिंग कम्युनिकेशन. आपके पर्सन ना मुझे लगता है इतना इंटरेस्ट, लाइक इतना ज़्यादा पुल्ड फील करेंगे आपके तरफ कि वो बिना सोचे समझे ये कम्युनिकेशन आपके सामने रखेंगे. सम प्रपोजल, सम मैसेज, दिस एस ऑफ कप्स विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने दिल की बात आपके सामने रखेंगे एंड वो भी विदाउट सोचे समझे. तो कहीं ना कहीं यही मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पहले तो बहुत सोचेंगे कि क्या बोला जाए, क्या किया जाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा दे विल बी लाइक आई वॉन्ट टू टॉक, और वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड दे विल जस्ट सेंड यू अ मैसेज एंड अ वेरी इमोशनल वन. एंड बहुत डायरेक्ट होगी बात आप दोनों के बीच में जो भी होगी. मुझे लगता है कोई, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, मुझे लगता है कोई जो भी ब्लॉक कर रहा था सामने वाले पर्सन को या अपनी एनर्जीज को ब्लॉक इन करके रख रहा था, वो पर्सन फाइनली ओपन अप करेगा एंड एवरीथिंग विल जस्ट यू नो फॉल इन टू प्लेस. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी. व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइस. पहला कार्ड एडवाइस आपके लिए है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. फाइनली मुझे लगता है अगर आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही टफ साइकिल चल रहा था,
या ऐसी सिचुएशन जो ख़त्म नहीं हो रही थी और इट वॉज़ जस्ट नेवर एंडिंग, फाइनली मुझे इट्स कमिंग टू एन एंड दिख रहा है यहाँ पे, एंड दिस लाइक यू विल टेक अ साई ऑफ रिलीफ, लाइक आपको लगेगा हाँ फाइनली बहुत समय से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे और जो काफ़ी टफ सिचुएशन था आपके लिए. नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. देखिए मुझे लगता है कि अगर आपने होप्स खो दिए थे और काफ़ी लोग तो मुझे ऐसे भी मैसेज करते हैं जिनके सालों साल बीत जाते हैं एंड सिचुएशंस डोंट मूव एनी फॉरवर्ड, एंड मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे, अगर आप हिम्मत रखोगे तो सिचुएशन बेटर होगी, एंड एवरीथिंग जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ कॉन्फिडेंट यू आर और हाउ पॉजिटिव यू थिंक अबाउट इट. कितना कॉन्फिडेंटली सोचते हो, कितना पॉजिटिव सोचते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों के सिचुएशन में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है जो इस सिचुएशन को बेटर करेगा, एंड आपको यू नो यू विल बी लाइक क्वाइट हैप्पी कि जो हुआ वो बैड फेज या बैड सिचुएशन फाइनली ख़त्म हुई. लेट्स डू अ येस और नो सेशन. आपके मन में अगर कोई सवाल है, अगले 48 घंटों में अगर मैं समरी कर दूँ तो मुझे लगता है आपके पर्सन आउट ऑफ द ब्लू आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं. ओके, दे आर गोइंग टू स्टार्ट मिसिंग यू एंड वो थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करेंगे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, एंड एट वन पॉइंट दे विल बी लाइक यू नो जाने दो बात कर लेते हैं बाकी का देखा जाएगा आगे. ओके, दैट इज़ देयर एनर्जी लाइक लिटरली. तो कोई सवाल है आपके मन में, मैं उसका जवाब येस और नो में दूंगी. सो हियर इट इज़ आपके सवाल का जवाब. लेट्स सी द आंसर. दिस इज़ अ येस. ओके, लव नोट्स देख लेते हैं, कुछ लव नोट्स देख लेते हैं. आज हम लोग लव स्क्रोल्स नहीं देखेंगे, लव नोट्स देखेंगे. ओके ओके, लेट्स सी सम लव नोट्स. आपके लिए कोई मैसेज. यू पैम्पर मी लाइक अ बेबी. तो उनको अच्छा लगता है जब आप उनको एक बेबी की तरह ट्रीट करते हो. नेक्स्ट है, आउट ऑफ एवरी वन ऑन दिस प्लानट यू आर माई फेवरेट. तो तुम मेरे फेवरेट हो इस पूरे प्लानट पे. ओके, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन. तो तुम मुझे ऐसे हैप्पी करते हो जैसे कोई नहीं कर सकता. नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स. तुम्हारे हाथ पकड़ना मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देता है. नेक्स्ट है, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर. नेक्स्ट है, योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स. तो तुम्हारी ड्रीम्स उनके ड्रीम्स है. यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एवरी थिंग. आई एम इन लव विथ यू एंड योर लिटिल थिंग्स. कितना क्यूट पिक्चर है. और यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके. और आखिरी मैसेज है, ग्रेविटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव. वाओ, क्यूट है. सो या, यही है वो चीज़ें जो आपसे कहना चाहते हैं. बहुत क्यूट मैसेजेस आए हैं. तो रीडिंग अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो बिकम अ मेंबर ऑफ आर चैनल. ये चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.